ब्लॉग तो ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं घर आज, तो पूरा तैयारी हो गई है, सामान वगैरह सब रख गया है। देखिए सम्राट विराट भी तैयार हो गए हैं। विराट आप कहाँ जा रहे हैं बताओ, विराट इधर देखो कहाँ जा रहे हो आप? मम्मी हमें अंदर खेलते हैं। पहले ये बताओ आप कहाँ जा रहे हो? आई के घर। आई के घर जा रहे हो ना, सबको बाय करो। बाय। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, सामान वामान सब रख गया है, बस पूरा काम निकलने वाले हैं हम लोग। अभी पापा को तैयार हो जाने दो। पापा को तैयार। तो चलिए अब मिलते हैं वहीं जाकर। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं शादी में, और आपको लोगों को शादी का सारा व्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखे रहिएगा। तो देखिए हम लोग पहुंचने वाले हैं, अभी इलाहाबाद निकलने वाले हैं ही, उसके बाद देखिए यहाँ जगह जगह देखिए कितनी सुंदर मूर्ति। यहाँ से गंगा जी जाना पड़ता है, संगम का रास्ता है, देखिए रास्ता संगम से, उसके बाद हम लोग निकल गए हैं। और आगे आपको जमुना जी का दिखाएंगे नया पुल, तो देखिए जमुना जी का नैनी पुल, ये नया पुल है। और यहाँ गंगा जी निकलते हैं तो छोटे बच्चों का निछावर करते जाते हैं, तो ये देखिए बहुत सुंदर लगता है। यहाँ सभी लोग पिक वगैरह निकालते हैं। देखिए नया पुल है जमुना जी का, तो गंगा जी के भी दर्शन जमुना जी के भी कर सकते हैं आप लोग। और देखिए अभी पहुंचने वाले हैं हम लोग अपने दीदी के घर। तो आज मंडप की रस्में होती हैं, तो किस तरह मंडप यहाँ गांव में लगाया जाता है, मंडप की रस्में होती हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब मिलते हैं आगे। और ये देखिए पहुंचने वाले हैं हम लोग चित्रकूट धाम। तो यहाँ से चित्रकूट जाया जाता है कामतानाथ, तो कामतानाथ निकलते हुए जाना पड़ता है हम लोगों को। देखिए लिखा है आपकी यात्रा मंगलमय हो, क्योंकि यहाँ सभी लोग बहुत पर्यटन मतलब घूमने का बहुत ही अच्छा वो है, तो यहीं ज़्यादातर सब लोग आते हैं, तो चित्रकूट में भी बहुत सुंदर लगता है, तो यहीं से निकलते हुए जाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जो मेन हाईवे पर यहाँ से चित्रकूट से बांदा के लिए जाना पड़ता है, तो बहुत जल्दी से रास्ता मिल जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जाते हुए देखिए कितना सुंदर ऊपर का नज़ारा, बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए व्यू कितने बादल हैं जो कितने सुंदर और बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए तो मैंने कहा क्योंकि उस टाइम बादल भी हो गए थे हल्का हल्का, शाम की टाइम होती है तो बादल वगैरह भी हो जाते हैं, बारिश होने लगती है। तो देखिए सम्राट विराट अपना खाते हुए जा रहे हैं, और देखिए कितना अच्छा बादलों का व्यू लग रहा है। और ये
देखिए उसके बाद पहुंच गए हैं हम लोग घर। तो ये दीदी की ननद हैं सब लोग, ये लोग भी आई हैं ज़्यादा दूर से, तो लेटे हुए हैं सब लोग। और देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, सब ज़्यादा भी लोग आ गए हैं। और देखिए सब बहनें वगैरह दीदी की ननद हैं सब लोग आ गई हैं। और सब लोग आज तिलक जाना है, तो ये देखिए तिलक का पूरा सामान रखा है और दीदी बता रही हैं क्या क्या जाना है। ये देखिए पूरे सामान का ही मैंने वीडियो बनाया है क्या क्या। तो देखिए तिलक में हमारे यहाँ क्या क्या जाता है पूरा, देखिए चांदी का पूरा थाल वगैरह कपड़े सभी लोगों को कपड़े दीदी ने पूरा ही दिखाया है। साड़ी पाँच है और ये है पाँच जोड़ी कपड़ा एक ये चांदी का है ना। हाँ और ये वाले कपड़ा होगा लड़का के कोट पैंट तो कपड़ा सेट को। हाँ। और जी थाली चांदी है और जी फलल है सब जो सात डब्बा मिठाई के। हाँ। ठीक है जी मेवा। हाँ। पांच के पांच रह दिए। हाँ। ठीक है और जे बतासा अब जी सात डलिया। हाँ। ठीक है ये दीदी ने सब बता दा। दाल दही। हाँ ये देखो सबसे बड़ी दीदी है। और देखिए उसके बाद शाम के टाइम मंडप यहाँ गाड़ना बोलते हैं हम लोग, यहाँ मंडप की रस्में होती हैं और हल्दी वगैरह भी होगी अभी शाम को, तो अगले वीडियो में वो भी शेयर करेंगे। पहले सबसे पहले मंडप की रस्में शुरू हो जाती हैं। और देखिए यहाँ मंडप लग गया है, इसमें लगा दिया है क्योंकि लॉस से शादी होगी तो फिर मंडप ले जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ देखिए सभी लोगों को हल्दी लगाई जाती है, तो भाभी हैं दीदी हैं थाली में हल्दी लेके सभी को हल्दी लगाई जाती है। उसका ऐसा कोई नहीं रहता है जिसको हल्दी ना लगे। तो देखिए सभी को भाभी लेके और दीदी हैं तो हल्दी घोल लिया है सारे में और सभी को हाथों से पीछे लगाती जाती हैं। उसके बाद हल्दी की रस्म होती है शाम के टाइम, तो डीजे वगैरह बजेंगे, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में वो भी शेयर करेंगे क्योंकि इसमें बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। और दीदी के देखिए सभी लोग पूरे परिवार के लोग हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं। देखिए बुआ है उनकी जो हल्दी लेके जा रही हैं, तो सबसे पहले देखिए इस तरह से लगाया जाता है, देखिए कैसे सबके पीछे ऐसे हाथ बनाए के इसी तरह से सब लोगों को हल्दी लगाएंगे। तो देखिए भाभी ले लेती हैं हल्दी तो सभी को लगा लेती हैं, यहीं शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है, गांव में तो और अलग तरीके से होता है किस तरह, तो इसलिए देखिए गांव में किस तरह से मंडप की रस्में होती हैं, शहर में तो अलग होती हैं लेकिन गाँव की रस्में देखिए। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करना क्योंकि शादी की पूरी रस्मों का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये तो देखिए बुआ हैं तो सभी को हल्दी लगाती जा रही हैं, देखिए सभी को हल्दी चाहे छोटे बच्चे हों बड़े हों औरत हो किस कोई भी हो बिना हल्दी का कोई नहीं रहता है, सभी को हल्दी लगाई जाती है। और फिर भाभी ने थाली ले ली थी तो फिर भाभी ने सभी को ही हल्दी लगाई थी, देखिए इस तरह से लगा देती हैं हल्दी भाभी बुआ लगा रही हैं अभी तो। उसके बाद देखिए पता नहीं कौन सी रस्म हो रही है, जो बड़े रहते हैं मतलब जो देवता वगैरह तो उनको निमंत्रण दिया जाता है, तो उसी देखिए गाना वगैरह गा रहे हैं। और यहाँ शादी भी है दीदी के घर के सामने ही, क्योंकि आज टीका है धोनी का एक पूरा सजा हुआ है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। गाँव में बहुत अच्छे से रस्में निभाई जाती हैं, बिल्कुल मंडप से शुरू हो जाती हैं और शादी तक ही रहती हैं। तो ये देखिए और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और देखिए जिसकी शादी हुई थी जो टिंका था उनका ये विदाई भी हो रही है, तो देखिए गांव में विदाई भी किस तरह से हो जाती होती है। हमारे यहाँ उनको मतलब दुल्हन को गोदी में उनके मामा होते हैं जो दुल्हन को गोदी में उठा करके ही गाड़ी में बिठाते हैं, तो देखिए दुल्हन की विदाई हो रही है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये गांव की रस्में कैसी लग रही हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, सभी को टेक केयर।
देखिए आज मंडप हो गया है और आप लोगों को मंडप की सारी रस्में शेयर की हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।